कोरोना वायरस के 693 नए मामले 24 घंटे में सामने आए। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 4067 हुई। अब तक 109 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में 76% मरीज पुरुष हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म करने का संकेत दिया। लॉकडाउन खत्म होने पर कोरोना से बचने की नई रणनीति लागू होगी। कोरोना फंड के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए सांसद निधि निलंबित की। 1 साल के लिए सांसदों की तनख्वाह और पूर्व सांसदों की पेंशन में 30% तक कटौती। कांग्रेस ने समर्थन किया। कोरोना काल में मेडिकल इक्विपमेंट की किल्लत बढ़ी। अगले 2 महीने में 2.3 करोड़ N95 मास्क, 1.5 करोड़ PPE, 16 लाख टेस्टिंग किट और 50,000 वेंटिलेटर की दरकार। देश के कई हिस्सों में विदेशी सैलानी अभी भी फंसे। 5 दिन में पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर 769 विदेशियों ने रजिस्टर किया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देशभर के चिड़ियाघर को हाई अलर्ट किया। न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर की मादा टाइगर नादिया के कोरोना पॉजिटिव होने पर लिया गया फैसला। कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन अस्पताल में भर्ती। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने देशवासियों से कहा हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,36,000 के पार हुई। मौत का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंचा। स्पेन में 12 और इटली में 15,000 से ज्यादा मौतें। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमित मरीजों की संख्या 12,85,000 के पार पहुंची। अब तक 70,000 से ज्यादा मौतें।